नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल रियल नॉलेज पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रेलवे की पहली LHB कोचों से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी। दोस्तों वैसे तो देश में चलने वाली सभी VVIP ट्रेन जैसे राजधानी, शताब्दी, हम सफर, दुरंतो ट्रेनें LHB कोचों से संचालन भारतीय रेलवे कर रहा है और आने वाले समय में सभी मेल ट्रेनें और सुपरफास्ट ट्रेनों का भी LHB कोचों से संचालन होने लगा है। दोस्तों वैसे तो रेलवे मेल ट्रेनों और सुपरफास्ट ट्रेनों को LHB कोचों में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया है। दोस्तों बात करें LHB कोचों की तो LHB कोच का फुल फॉर्म होता है लिंक होफमैन बुश। और दोस्तों LHB कोच की टॉप स्पीड होती है 160 किलोमीटर प्रति घंटा से 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक। लेकिन दोस्तों यह तय करता है कि उस रूट पर जिस पर ट्रेन का संचालन हो रहा है उस रूट की CRS द्वारा कितनी गति सीमा तक प्रमाणित किया गया है। दोस्तों LHB कोचों की यात्री क्षमता भी ICF कोचों की तुलना में ज़्यादा होती है। दोस्तों भारतीय रेलवे ने LHB कोचों को इंपोर्ट किया था जर्मनी से और दोस्तों जर्मनी से मंगवाए गए इन कोचों को पहली बार यूज किया गया था नई दिल्ली से लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में। इसलिए दोस्तों भारत की पहली LHB कोचों से चलने वाली ट्रेन नई दिल्ली लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन है। दोस्तों LHB कोचों की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के बाद भारत में साल 2000 से रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में LHB कोचों का उत्पादन शुरू हो गया था। और दोस्तों रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में पहला LHB रेक बनकर तैयार हुआ जिसे दिसंबर 2003 में मुंबई से नई दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को दिया गया। तो दोस्तों यह थी छोटी सी जानकारी। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। और दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।